आज विश्व में कहीं भी है, वसुधा कुटुंबकम केवल कहने के लिए, नारे लगाने के लिए नहीं है। उल्लेख आया कोविड के समय में कैसे हमने यहां वैक्सीन केवल न बनाए, भारत के लोगों के लिए इस देश की सरकार दिए, दुनिया में कई देशों के लिए हम यहां से आपूर्ति किए। श्रीलंका में समस्या है, वहां के लोग तरस रहे हैं, तो भारत से यहां से उनके मदद के लिए भारत की जनता की ओर से सरकार ने कार्य किया। यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, युद्ध के बारे में वो चलना नहीं चलना वो तो राजनीति है, लेकिन वहां जो त्रस्त लोग हैं उनके लिए सहायता करना। अभी सीरिया और तुर्की में भूकंप हुआ, भारत के लोग वहां गए, और युद्ध में यूक्रेन के ये युद्ध चल रहा है, वहां यूरोप में जो हिंदू स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हैं, वो युद्ध के उस दौरान भी वहां युद्ध में फंसे हुए सामान्य नागरिकों के लिए, वो वहीं के स्थानीय लोग हैं, उनकी सेवा, उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाना, उनके लिए आहार औषध दवा वगैरह की व्यवस्था करना, इसके लिए पिछले 6 महीनों में कार्य किया है हिंदू स्वयंसेवक संघ जर्मनी के, हिंदू स्वयंसेवक संघ इंग्लैंड के, हिंदू स्वयंसेवक संघ फ्रांस के, वहां जाकर कार्य किया। वसुधैव कुटुंबकम जो कहते हैं उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, यह केवल उपदेश के लिए मंच से बोलने वाली बात नहीं है, जीवन में निभाने वाले धर्म है, वो किया है भारत के लोग कर रहे हैं। इसलिए भारत के एक सामान्य व्यक्ति, भले ही ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होगा, छोटे स्थान पर रहता होगा, लेकिन उसके मन में भी सर्वे भवन्तु सुखिनः जो बात आई वही कहता है, वो अपने शब्दों में अपने बोली में बोलता है, अरे भाई सभी सुखी से रहने चाहिए।